अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद अज़ीज़, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो कमिंग NMD कैटियंस हैं उनको रहनुमाई प्रोवाइड करना है और उनको कुछ रियलिटीज़, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताना है ताकि वो अपनी जो प्रिपरेशन हैं उनको ईजिली कर सकें। तो इस वीडियो को मैंने बेसिकली 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पोर्शन नंबर 1 में मैं आपको अपना जो मेरा पर्सनल एकेडमिक बैकग्राउंड है मैं आपको वो बताऊंगा, और जो पोर्शन नंबर 2 है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि PMC के बारे में जो मुझसे क्वेरीज़, जो क्वेश्चंस किए गए कि PMC के बारे में, व्हाट आर द रियलिटीज़, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द PMC। और पोर्शन नंबर 3 में मेरी जो स्टडी की रूटीन है उसके बारे में पूछा गया, तो मैं आपको वो बताऊँगा। लेट्स गो टू द पोर्शन नंबर 1। पोर्शन नंबर 1 में मुझसे जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके मैट्रिक और FSC में कितने मार्क्स हैं। अपने मार्क्स बताने से पहले मैं एक बात आपको वाजे कर दूं कि लोगों का ख्याल है कि MBBS में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास मैट्रिक और FSC में काफ़ी अच्छे नंबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे कोई अच्छे नंबर तो नहीं थे, मैं ये समझता हूँ कि एवरेज मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के हैं मैट्रिक में, अगर किसी के 950 प्लस हैं आउट ऑफ 1100 एंड FSC में जिसके 1000 प्लस हैं आउट ऑफ 1100, तो वो इस दौड़ में है और उसको थोड़ा सा MD कैट में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लाजमी नहीं है कि जिनके नंबर FSC में और मैट्रिक में अच्छे नंबर होते हैं वही उनका ही एडमिशन होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे मैट्रिक में कितने नंबर थे। मेरे मैट्रिक में आउट ऑफ 1100 953 मार्क्स हैं और मेरे FSC में आउट ऑफ 1100 1001 मार्क्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके NMD कैट में लास्ट ईयर में कितने मार्क्स थे, तो मेरे लास्ट टाइम NMD कैट में मेरे आउट ऑफ 210 182 मार्क्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। तो ये बात, एक बात तो सबके सामने वाजे हो गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मैट्रिक में अगर अच्छे नंबर नहीं हैं, बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं, बट अगर आपके एवरेज नंबर हैं और FSC में भी वैसे ही अगर आपके एवरेज नंबर हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि सर आप फ्रेशर थे या रिपीटर थे। तो मैं रिपीटर था, पहले साल मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो अगला सवाल ये पूछा गया कि सर अगर आप रिपीटर थे तो आपका जो पहले साल एडमिशन नहीं हुआ तो किन वजूहत पर, किस वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ, कौन सी ऐसी जो मिस्टेक्स थी आपने की हैं या कौन सी कमी थी जो आपसे रह गई कि आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले साल मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मार्क्स इतने कम थे जिसकी वजह से मेरा मेरिट नहीं बन सका। तो पहले साल जो मैं समझता हूँ कि जो कमी थी कि वो तो ये थी कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और दूसरा जब मैं एक एकेडमी मैंने ज्वाइन की NMD कैट की तैयारी के लिए, तो उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ कंटेक्स जो मुझे बातें बताई, जो एकेडमीज़ ने, जो टीचर्स ने हमें ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाए जो कि हमारी ना किताब में से थे और जो हाई लेवल के थे, तो जैसे इसका जो नतीजा क्या निकला कि हम जो असल रास्ते से थे, असल रास्ते से हम हट गए थे कि जो अपनी बुक्स को छोड़कर हमने बाहर की किताबें पढ़ना शुरू कर दी, और अपनी अकेडमीज़ ने अपनी हर अकेडमी ने अपनी अपनी बुक्स बनाई होती हैं, तो उन किताबों को हमने पढ़ना शुरू कर दिया और देखते देखते जो 1.5-2 माह थे वो ख़त्म हो गए। हम जो है अपने MCAT की तैयारी नहीं कर पाए, और जब हमारा पहला टेस्ट था MCAT में बैठे थे, तो जब टेस्ट हम उसको सॉल्व कर रहे थे, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने सिलेबस की तैयारी ही की होती, बुक्स तो दूर की बात, अगर हमने सिलेबस पर ही फोकस किया होता तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो ये मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो हमारी सबसे एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि मिस्टेक थी, कि वो हम जो है अपने सिलेबस से हटकर हमने तैयारी की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि, बल्कि ये कहता हूँ कि अगले साल, क्योंकि जब हमने रिपीट किया था तो अली पेप में भी और मेन सेशन में भी हमने सिलेबस पर ही फोकस किया था, और अपनी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है वहाँ से ही अपने जो सिलेबस की से तैयारी की थी, और हम और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स हमने ऑब्टेन कर लिए थे, ठीक है। तो पहले साल जो मेरी मिस्टेक्स थी वो यही थी कि एक तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि किस तरह से किधर सिलेबस पर फोकस करना है और व्हाट्स ओवर इस तरह से वगैरह वगैरह। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर
जब आपका पहली बार एडमिशन नहीं हुआ था तो आप डिमोटिवेट हुए होंगे, आप मायूस हुए होंगे, आप डिस्करेज हुए होंगे। दैट इज़ नेचुरल। ये हर बंदे के साथ होता है। जब एक बंदे नाकाम होता है किसी आपका किसी अच्छी पोस्ट पर जिसके लिए आप ट्राई कर रहे होते हैं, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता तो आप ज़ाहिर सी बात है मायूस होते हैं, आप डिमोटिवेट भी होते हैं, आपको कुछ लोग डिस्करेज भी करते हैं और कुछ लोग आपको हौसला भी देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन एक दो महीने के अंदर फिर हम अपनी रूटीन पर आ गए। फिर दो तीन महीने के रेस्ट के बाद फिर हमने ऐसा ऐसा से मैंने अपनी जो तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर दी और एट द एंड जो है मेन सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से मैंने अटेंड कर लिए। नाउ कम टू द पोर्शन नंबर टू। पोर्शन नंबर टू में मुझसे ये पूछा गया कि PMC के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि PMC का जो टेस्ट था उसमें लॉट ऑफ ब्लंडर्स थे, उसमें मिस्टेक्स थी और इंटरनेट का इशू आ रहा था और बच्चों का जो है पेपर वो सबमिट नहीं हो रहा था। तो इसके बारे में बताएं, तो मैं आपको एक हकीकत बताने जा रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने जिस सेंटर में मैंने टेस्ट दिया है और जिस चेयर पर मैंने बैठ के टेस्ट दिया है वहाँ पर क्या क्या होता रहा और क्या क्या होगा मैं आपको वो बताऊँगा, और ज़ाहिर सी बात है मैंने वही बताना है आपको। तो मेरा जो सेंटर था वो मुल्तान में था और जो मैं सेंटर में एंटर हो गया, दाखिल हो गया, सेंटर में बैठ गया, चेयर पड़ी थी, चेयर के आगे एक टेबल पड़ी थी और टेबल के ऊपर एक टैब पड़ा था। मैं बताता हूँ कि उस चेयर उस टैब के साथ क्या हुआ, कैसा उसको मैंने किस तरह से जो है अपना टेस्ट मैंने किया। सबसे पहले उन्होंने हमें तिलावत कुरान पाक सुनाई, जैसे हमारा माइंड बहुत ही फ्रेश हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला के 99 नाम जो है वो सुनाए गए, तो उससे हमारा जो माइंड है बहुत फ्रेश हो गया। उसके बाद जब टेस्ट शुरू हुआ तो पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक मेरे टैब पर ना कोई इंटरनेट का मसला हुआ, ना कोई प्रॉब्लम हुआ एनी, और सबमिट करने तक मुझे इंटरनेट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। हालांकि दूसरे फ्रेंड्स जो है वो ये कह रहे थे कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, किसी का सबमिट नहीं हुआ, फलां फलां फलां, लेकिन मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूँ तो जो मेरा टैब था वहाँ ना मुझे कोई इंटरनेट का इशू मिला और ना ही वो हैंग हुआ, ना कोई भी मसला नहीं हुआ। टेस्ट की स्टार्ट करने से लेकर एंड तक सबमिट करने तक मुझे नेटवर्क का कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा। और दूसरी बात ये पूछते हैं कि जो क्वेश्चन थे PMC ने जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे हुए थे, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे लेकिन जो हमारे टॉपिक थे उनसे रिलेटेड ही थे, जो हमारे टॉपिक थे उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस, लेकिन उनका जो लेवल था वो थोड़ा हाई लेवल के थे। लेकिन वो जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे PMC ने उनको पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस में उनके नंबर दे दिए थे। मेरे भी पहले जो है अटेम्प्ट में 164 मार्क्स आए थे, लेकिन फिर जब उन्होंने अपना पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस किया तो उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज होकर 182 बन गए थे। नाउ कम टू दी थर्ड पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। थर्ड पोर्शन जो कि इंतहाई अहम पोर्शन है, उसमें मुझसे ये क्वेश्चन किया गया कि आपकी सर जो स्टडी रूटीन थी वो कैसे थी, आप किस तरह जो आपका स्लीप पैटर्न है, जो आपका स्टडी पैटर्न है, आप कितने आवर्स स्टडी करते थे और स्टडी के दौरान आप इस जो आपकी जो प्रिपरेशंस थी इसके दौरान आप स्टडी के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ जो करते थे कि स्टडी से हट के, मतलब कि आप कोई मूवी या कोई सॉन्ग वगैरह या इस तरह की बातें जो थी उसमें मैं आपको ये बताऊँगा। मेरी जो स्टडी रूटीन थी वो बहुत ही सिंपल थी कि सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो थी 8 hours स्लीप, कि 8 घंटे मैंने सोना है, 8 घंटे की मैंने नींद मस्ट करनी होती थी। और उसके बाद 3 times का खाना, अच्छी तरह खाना खाना और नमाज, खाना पीना और 8 घंटे की नींद। इसके बाद जो टाइम बचता था सारा का सारा स्टडी के पास, बुक्स पढ़नी और बार बार पढ़नी, सुबह शाम रात दिन, और ऐसे ही पूरा सेशन गुजारा। तो ये थी मेरी एक सिंपल सी स्टडी रूटीन। और दूसरा, इस स्टडी रूटीन में मुझसे ये पूछा गया कि सर आप कोई मूवी या कोई सॉन्ग्स या ड्रामा, हाँ मैं क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे देखता हूँ तो मैं हफ्ते में 1 या 2 किसी भी ड्रामे का ऐसे रैंडमली एपिसोड, 1-2 episodes देख लेता था, बस दैट वाज मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम द NMD CAT प्रिपरेशंस। ये मेरी स्टडी रूटीन थी।